तो दोस्तों आईपीएल 2023 का 43 नंबर मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स एंड आरसीबी के बारे में, और हम लोग हमेशा की तरह अपने ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को जीएल का टॉप पिक्स बताने वाला हूँ, मतलब ग्रैंड लीग में कौन कौन से प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है जो आपको ग्रैंड लीग में ऊपर आने में हेल्प करेगा, और उसी के साथ साथ स्मॉल लीग टीम तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने ही वाला हूँ। और उसी के साथ साथ हम लोग देखने वाले हैं पिच रिपोर्ट, प्लेयर का रिसेंट परफॉर्मेंस, टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस, वेन्यू रिकॉर्ड, ताकि आप सबको पता चल जाए कि इस वेन्यू पर कौन कौन सा बैट्समैन अच्छा कर सकता है या फिर कौन कौन सा बॉलर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि ये मैच लखनऊ के होम ग्राउंड पर खेला जाएगा, ये जो पिच है ये थोड़ा सा यहाँ पर आईपीएल पे जितने भी आप स्टेडियम्स मिलते उससे थोड़ा सा अलग पिच है ये, क्योंकि बाकी जो आपको जितने भी स्टेडियम है वो सारा यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छा माना जाता है, बट ये जो पिच है ये है ओवरऑल ये बॉलिंग पिच है, इसमें बॉलर्स के लिए ज़्यादा हेल्प रहता है, बैट्समैन के लिए उतना ज़्यादा हेल्प यहाँ पर नहीं रहता है। ये जो पिच है ये पेसर्स को सूट करता है और स्पिनर्स को भी ये पिच सूट करता है गाइस। पिछले मैच में भी स्पिनर्स ने अच्छा विकेट निकाला था, और इंटरनेशनल जो T20 मैचेस होता है उसमें तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर स्पिनर्स ही ज़्यादा विकेट चटकाता है। सो ये जो मैच होगा इसमें आपको जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा सोच के बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पिच सबसे अलग है बाकी के स्टेडियम से। वो सारा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, किस किस बॉलर्स को आपको रखना है, कौन कौन सा बॉलर्स ज़्यादा विकेट लेने वाला है। और हाँ गाइस, अगर आप अभी भी अपने लक के भरोसे ग्रैंड लीग विन करना चाहते हो तो आप ग्रैंड लीग विन करने का सपना छोड़ दो, क्योंकि ऐसे आप ग्रैंड लीग कभी भी विन नहीं कर पाओगे गाइस। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा और आपको थोड़ा बहुत वीडियोस देखना पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियोस को फुल देख लेते हो और एक अच्छी टीम क्रिएट कर पाते हो तो आपका ग्रैंड लीग जितना पक्का हो जाएगा। बहुत सारे मेरे जो यहाँ पर सब्सक्राइबर है उन्होंने अच्छा यहाँ पर ग्रैंड लीग में परफॉर्मेंस किया है हाल ही के मैचेस में, जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ को वॉच किया है। सो अगर आप भी विन करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप मेरी ग्रैंड लीग के फाइनल टीम्स पाना चाहते हो तो वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाके आप सीधा मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग की टीम में दोनों ही टीम प्रोवाइड कर देता हूं, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस मैं यहां पर नहीं लेता। तो चलिए सबसे पहले प्लेइंग 11 देख लेते हैं। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो लखनऊ की तरफ से ओपनिंग में आपको नजर आएगा लोकेश राहुल के साथ कायल मेयर्स। कायल मेयर्स ने पिछले मैच में बहुत ही अच्छा किया था, लोकेश राहुल का पिछले मैच में उतना अच्छा रन स्कोर नहीं कर पाया था। उसके बाद आयुष बिधुनी, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पुरन, ये दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। दीपक हुड्डा का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, आप ग्रैंड लीग में दीपक हुड्डा को कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बना सकते हो, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं कौन किसको कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाऊंगा। उसके बाद कुणाल पांड्या, नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, आवेश खान, यश ठाकुर, ये होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11। आरसीबी का अगर प्लेइंग 11 से देखेंगे तो फैब डुप्लेसी, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लमरोड, दिनेश कार्तिक, एस प्रभुदेसाई, वानिंतु हसरंगा, डेविड उली, मोहम्मद सिराज, वी विजय कुमार, हर्षवर पटेल, ये होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का प्लेइंग 11 इस मैच में। चलिए आप पिच रिपोर्ट देख लेते हैं अच्छे से। अगर पिच की बात करें तो ये पिच आपको मैंने पहले ही बता दी कि ये बॉलिंग पिच है, इसमें पेसर्स को हेल्प मिलता है और उसी के साथ साथ स्पिनर्स को भी हेल्प मिलता है इस पिच पर। आप देख लेते हैं कि इस पिच पर किस किस बैट्समैन ने और किस किस बॉलर्स ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस किस को लेना है और किस किस को ड्रॉप करना है अपने टीम से। सबसे पहले अगर आप देखेंगे केएल राहुल का परफॉर्मेंस इस पिच पर बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो अब तक 4 मैचेस खेले हैं और पर मैच जो है 46 रन स्कोर कर सकता है। आप देख सकते हो मतलब हर मैच में ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी करता है केएल राहुल, वो भी 115 के स्ट्राइक थोड़ा सा लो है केएल राहुल का। उसके बाद कायल मेयर्स का देखेंगे 4 मैचेस खेले हैं, 34 रन स्कोर करता है ऑलमोस्ट हर मैच में 174 के स्ट्राइक रेट के साथ, इसका स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा है। बट मुझे लगता है क्विंटन डिकोंग को खिलाना चाहिए यार, वो बहुत ही अच्छा बैट्समैन है मुझे लगता है, बट कायल मेयर्स भी ठीक कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद कुणाल पांड्या का अगर आप देखेंगे 4 मैचेस 22 प्लस रन एवरी मैच 118 के स्ट्राइक्स। बाद कुणाल पांड्या का इंपॉर्टेंस यह बस ज्यादा है क्योंकि कुणाल पांड्या यहाँ पर बॉलिंग से भी विकेट आपके लिए चटकाएंगे। अगर आप बॉलर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्क वुड अब तो नहीं खेल रहा है, हर मैच में ऑलमोस्ट 3.5 मतलब हर मैच में 3 विकेट चटकाता है मार्क वुड। इकोनॉमी अगर देखेंगे तो 6.12 का, बट यहाँ पर जो मैंने बताया कुणाल पांड्या ये आपके लिए ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन का एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। कुणाल पांड्या 3 मैच खेला है, हर मैच में 2 विकेट चटकाता है 6 के इकोनॉमी के साथ, मतलब इतना ज़्यादा रन भी कंसीड नहीं करता है और विकेट भी चटकाता है। उसके बाद रवि बिश्नोई 4 मैचेस 1.3 विकेट पर मैच 7.86 के इकोनॉमी के साथ, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है इस ग्राउंड पर, क्योंकि ये जो ग्राउंड है इस पर स्पिनर्स के लिए भी हेल्प रहता है। तो आप इन दोनों को अपने टीम में जरूर रखना, ग्रैंड लीग की टीम में भी, स्मॉल लीग की टीम में भी। अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में केएल राहुल को बहुत कम लोग सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं जा रहा है, बट आप लोग इस मैच में केएल राहुल को ड्रॉप मत करना क्योंकि केएल राहुल इस मैच में अच्छा कर सकता है।
आप अगर इस पिच का एवरेज स्कोर अगर देखेंगे लास्ट फाइव मैचेस का, तो एवरेज स्कोर है 137 और फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है 141 का। जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा, टॉस जीत के पहले मुझे लगता है बैटिंग करना पसंद करेगा, क्योंकि चेजिंग करना बाद में मुश्किल हो जाता है, बाद में जो है विकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्पिनर के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो जो भी कैप्टन टॉस जीते टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला कर सकता है। आप प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके आधार पर ही हम लोग टीम क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके आधार पर ही आप लोग ग्रैंड लीग को क्रैक कर पाओगे। कौन कौन सा प्लेयर स्मॉल लीग आपके लिए मस्ट पिक है और कौन कौन सा प्लेयर ग्रैंड लीग में आपके लिए रिस्की ऑप्शन है, बट आपको पिक करना है अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है। तो सबसे पहले स्मॉल लीग का देख लेते हैं। लखनऊ की तरफ से मार्कस स्टोइनिस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्मॉल लीग में आपको लेना ही लेना है। उसके बाद काइल मेयर्स को भी आपको स्मॉल लीग में लेना ही है, 100% इन लोगों का सिलेक्शन जाने वाला है, 100% तो नहीं बट 95-100% यहाँ पर जाने वाला है इन लोगों का सिलेक्शन। आरसीबी की तरफ से फैफ डुप्लेसी एंड विराट कोहली दोनों को ही यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% लोग सिलेक्ट करने वाले हैं ड्रीम इलेवन में। आप लोग भी स्मॉल लीग में इन दोनों को ही पिक कर सकते हो, बट ग्रैंड लीग में आप इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर सकते हो। आप देख लेते हैं ग्रैंड लीग में किस किस को आपको आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सबसे पहले लखनऊ की तरफ से दीपक हुड्डा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, दीपक हुड्डा को मैं यहाँ पर कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ अपनी ग्रैंड लीग टीम में। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है नवीन उलहक, हाल ही में खेलना शुरू किया है और अच्छा बॉलर है, इस मैच में अच्छा विकेट निकल सकते हैं, इसको भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो और इसको आप कैप्टन बना सकते हो दीपक हुड्डा को, अगर आप लखनऊ की तरफ से टीम बना रहे हो तो। अगर आप आरसीबी की तरफ देखेंगे तो श्रेयस प्रभुदेसाई, इसको भी आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर रखना। और उसके बाद अगर देखेंगे तो महिपाल लेवन आपके लिए एक अच्छा कैप्टन ऑप्शन बन जाए ग्रैंड लीग में, क्योंकि अगर विराट कोहली और फैफ डुप्लेसी का विकेट जल्दी गिर जाता है, उसके बाद महिपाल लेवन ही नंबर तीन पर बैटिंग करने आएगा। सो इसको ये एक अच्छा कैप्टनशिप ऑप्शन बन जाएगा ग्रैंड लीग में आपके लिए, बहुत कम लोग इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। बाद में मैं अपना ग्रैंड लीग टीम अभी शेयर करता हूँ। आप कुछ की प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, इस ग्राउंड पर कौन कौन से प्लेयर्स आपके लिए अच्छा कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो ये सारे जो प्लेयर्स हैं, इन सारे प्लेयर्स में से ही आपको स्मॉल लीग का टीम क्रिएट करना है, इसके बाहर आपको प्लेयर सिलेक्ट नहीं करना है, मैंने आप लोगों के लिए निकल के रखा है। क्योंकि अगर आपको स्मॉल लीग विन करना है सो इन बॉलर और इन बैट्समैन के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। लोकेश राहुल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इस ग्राउंड पर, मार्कस स्टोइनिस का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, निकोलस पोन का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कुणाल पांड्या का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, रवि बिश्नोई का भी परफॉर्मेंस डिसेंट है, आवेश खान का अगर बॉलिंग मिलता है तो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद आरसीबी की तरफ से देखेंगे फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, वानी दुहासरंगा, डेविड वुली, मोहम्मद सिराज, हर्षो पटेल और उसके साथ साथ विराट कोहली का भी नाम यहाँ पर आप ऐड कर लो, विराट कोहली का भी परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है इस ग्राउंड पर। आप देख लेते हैं कौन कौन सा बैट्समैन यहाँ पर आप तक ज़्यादा पॉइंट्स दे चुका है ड्रीम इलेवन पर। अगर आप देखेंगे तो लोकेश राहुल आप तक 398 पॉइंट्स दे चुके, काइल मेयर्स 450 प्लस पॉइंट दे चुका है, उसके बाद आयुष बिदरी 200, मार्कस स्टोइनिस 483 पॉइंट दे चुके, निकोलस पोन 396 पॉइंट दे चुका है। अगर फैफ डुप्लेसी की बात करें तो सबसे अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है, 600 प्लस पॉइंट दे चुका है। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल 437 पॉइंट दे चुका है, महिपाल लेमरन उतना अच्छा नहीं रहा है, ग्रैंड लीग ट्रम्प कार्ड हो सकता है दिनेश कार्तिक को, तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में आप इसको ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आता है और इस सीजन उतना अच्छा बैटिंग भी नहीं मिला है दिनेश कार्तिक को। आप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ग्रैंड लीग में कौन कौन सा आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है और मैं किस किस को ग्रैंड लीग में अपने पिक करने वाला हूँ, वो सब डिटेल्स में अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए ताकि आप लोगों को भी ग्रैंड लीग क्रिएट करने में आसानी हो। सबसे पहले फिक्स प्लेयर की बात कर लेते हैं, ये जो 9 प्लेयर्स का नाम मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, इन सबको तो सभी जो है जो भी ड्रीम इलेवन पर टीम क्रिएट करेगा सभी इन प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगा, बट आपको ग्रैंड लीग में यहाँ से इन जो 9 प्लेयर्स को मैंने मेंशन किया है यहाँ से आप 6 या फिर 7 प्लेयर्स को ही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और बाकी जो प्लेयर्स है बाकी आप यहाँ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स का मैंने नाम लिख के रखा है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और इसके बाहर भी एक दो प्लेयर से बाहर से भी आप सिलेक्ट कर सकती हो। सबसे पहले देख लेते कि यहाँ से आप किन 6 या फिर 7 बैट्समैन को पिक कर सकते हो, आप अपने मर्जी से भी यहाँ पर पिक कर सकते हो, सारे ही ऑप्शन अच्छा है यहाँ पर, फैफ डुप्लेसिस, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, काइल मेयर्स, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पुरन, कुणाल पांड्या, यहाँ से आपको 7 बैट्समैन यहाँ से आपको 7 प्लेयर सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर फिक्स प्लेयर से। उसके बाद बाकी जो 4 प्लेयर होगा वही आपको ग्रैंड लीग जिताएगा, सो इसको आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। आयुष बिधोनी आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, आप टीम में रख सकते हो ग्रैंड लीग के, बट इसको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है। दीपक हुड्डा इसको आप कैप्टन बना सकते हो, ये एक कैप्टनसी का ऑप्शन है, इसको मैं शायद अपने ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन बनाऊंगा। नवीन उलहक ये भी एक अच्छा वाइस कैप्टन ऑप्शन है ग्रैंड लीग में। उसके बाद महिपाल लेवन एक अच्छा ऑप्शन है कैप्टनसी का, क्योंकि अगर आरसीबी के पहले जल्दी विकेट गिर जाता है सो ये सीधा गेम में आ जाएगा और आपको ग्रैंड लीग जीता के ले जाएगा।
उसके बाद वानिंदु हसरंग एक अच्छा वाइस कैप्टनशिप ऑप्शन बन जाएगा आरसीबी की तरफ से, एंड वी विजय कुमार भी आपके लिए एक अच्छा बॉलर की बॉलिंग का ऑप्शन बन जाएगा। मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिकमेंड नहीं करता, बट बॉलिंग में ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सो यहाँ से मैं दीपक हुड्डा को अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करने वाला हूँ, नवीन उल हक को भी ट्राई करने वाला हूँ, महिपाल लामरो को ट्राई करने वाला हूँ, एंड वानिंदु हसरंग को ट्राई करने वाला हूँ, या फिर वानिंदु हसरंग के जगह वी विजय कुमार को भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन तो मैंने बताई दिया, दीपक हुड्डा, नवीन उल हक, महिपाल लामरो एंड वानिंदु हसरंग, ये चार आपका ग्रैंड लीग में कैप्टनसी का और वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन है। सो अब इसको एक बार ठीक से देख लो, इन प्लेयर्स में से ही आपको ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट करना है। अब मैं स्मॉल लीग का आपका कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। स्मॉल लीग के अगर आप देखेंगे तो लोकेश राहुल एक अच्छा आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बन जाएगा, निकलस पुरन भी एक अच्छा कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बन जाएगा, फैफ डुप्लेसी एक अच्छा ऑप्शन है, ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छा ऑप्शन है, मोहम्मद सिराज भी अच्छा ऑप्शन है, उसके बाद एक और पॉइंट आप ऐड कर लो, एवं विराट कोहली भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन जाएगा ग्रैंड स्मॉल लीग की टीम में कैप्टनसी का। सो गाइस मैंने आप लोगों के साथ सारा डिटेल शेयर कर दिया, जीएल में आपके लिए कौन कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बन जाएगा, उसके बाद एसएल में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कौन आपके लिए कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन का एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगा। बाकी एसएल का टीम मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ से ही आपको एसएल का टीम सिलेक्ट करना है, यहाँ का जो मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ से ही आपको एसएल का टीम क्रिएट करना है। और जीएल का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें ग्रो करने में थोड़ा सा हेल्प कीजिए क्योंकि सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं और वीडियो में व्यूज़ भी उतना नहीं आ रहा है। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी